जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, लोगों के घरों पे जो हमला किया गया है उसके विरोध में आज यहां पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा ये धरना यहां पे दिया जा रहा है। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि आज गरीब का जीना मुश्किल हो गया है, उसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, कोई काम करने के साधन नहीं है। इस निठल्ली सरकार ने पिछले 7 साल से लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जीडीपी की दर कहाँ पहुँच चुकी है, इस रियासत को आगे ही झूठी कन्वर्ट करके बहुत बड़ा नुकसान दिया। ऊपर से महंगाई की मार है, आए दिन नए नए आदेश, नए नए नादरशाही कानून जो यहाँ पे यूटी सरकार निकाल रही है। और विशेषकर आज का जो धरना है ये डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर और रसोई गैस की कीमतों को लेकर जन भावनाओं को आदर करते हुए आज त्राही त्राही मची हुई है। लोग रोजगार के लिए जाएं जहाँ इनकी डीजल पेट्रोल जो आसमान छू रहा है और कोई सरकार सुनने को यहाँ पे तैयार नहीं है। सर, क्या देखते हैं कि लगातार कीमतों में उछाल हो रहा है, इसके साथ साथ बात करें तो आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आज रात से जो नई दरें लागू कर दी गई हैं उसमें 10% इंक्रीज जो है वो सभी वाहनों को किया जाएगा जो टोल टैक्स के दायरे में आते हैं। देखो, ये ऑर्गेनाइज लूट जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये टोल टैक्स के माध्यम से जो भू माफिया, जो टोल माफिया, जो लैंड माफिया, जो माइनिंग माफिया, और जो अब रात के जो उन्होंने 10% जो रेट बढ़ाए हुए हैं बिना किसी पूछ के, जो यूपी में और जो बाकी स्टेटों में जो कहते हैं कि जो रोज नारे लगाते हैं हमने सरकारें बना ली हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च करके अंधाधुंध वहाँ पे इन लोगों ने लोगों को रियायतें देकर और उसको वसूली का ये ढंग बनाया हुआ है, जो तलवार ये लोगों के गले में रखी हुई है। और सारा जो किराया है जो पैसेंजर का जो टैक्स के आम पैसेंजर पर पड़ता है, मिडिल क्लास पर पड़ता है या लोअर मिडिल क्लास पर पड़ता है, आज आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है। और टोल प्लाजा की जो 10 रुपये की कीमत जो 10% इन्होंने प्राइस बढ़ाई है, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष रहेगा। हम सरकार को चेताते हैं कि इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और जैसा कि ट्रांसपोर्टरों ने कल हड़ताल वापस ली है, अगर कोई मांगे इनको उन्होंने अपनी रखी हैं उसे तुरंत माना जाए। और हम यही चाहते हैं कि आम जो आदमी का जीना जो है उसको ये मुहाल ना करे। आम आदमी को इस समय रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, डीजल पेट्रोल या गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो आम नागरिक पे, आम गृहिणी पे, आम घर पे, स्टूडेंट पे, विद्यार्थी पे, किसान पे, सब पे असर पड़ता है। ये गरीब को और मारने की साजिश है। पंकज जी, टप्पे पर जो कभी इनका लिकर माफिया, टोल माफिया इनके हैं, लैंड माफिया इनके हैं, माइनिंग माफिया हैं, आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के रोज जो रोज पुतला लेके फूकते थे, जो रोज पुतला लेकर यहाँ भागते थे जब 10 पैसे या 20 पैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी। पिछले 7 साल से 50-60 रुपए की दर से यहाँ पेट्रोल की कीमतें, यहाँ 400-500 रुपए सिलेंडर भरा पड़ा, कहाँ सोए हुए हैं। दूसरे दिन यहाँ डीसी कार्यालय में या तहसील के कार्यालय या एसएसपी के साथ सिर्फ चाय पीने का या बैठने का उन्हीं का लोगों का है। लोगों के लिए वो निर्धारित है, छुपे हुए हैं वो, और उनको हिस्सेदारी सबको मिलती है। जितने भी अफसरशाही है ये सब इस ऑर्गेनाइज लूट में शामिल है। यहाँ कौन सा माफिया, रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान के, रंग बिरंगे कानून आ रहे हैं। जो लीकर माफिया यहाँ हमारे युवाओं को आगे ही यहाँ नशे की, यहाँ जो बॉर्डर जो पोरस खोले हुए हैं नशे की मार में, इनको बिल्कुल से ये किस्म से मारना चाहते हैं। इस रियासत को इन्होंने पहले तोड़ के ड्यूटी में कन्वर्ट करके लूटा, अब इस रियासत में ये तमाम किस्म के माफिया, चाहे वो लैंड माफिया हो, माइनिंग माफिया, जो रेत का 500-600 की ट्राली मिलती थी आज 5,000 रुपये मिल रही है, और जो शराब की जो लगातार इन्होंने दुकानें खोली है, इसके खिलाफ हम सब लोग जद्दोजहद जारी रखें। देखिए, एक तो आप जानते हैं पिछले 5-6 दिन से जब से बीजेपी ने ये कैबिनेट की मीटिंग ली है उसके बाद लगातार ये रोज 80 पैसे 50 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने गैस की कीमत भी बढ़ा दी। लेकिन आप जब आपको याद होगा जब ये लोग कभी यहाँ सिलेंडर की कीमत बढ़ती थी, कभी इनकी मिनिस्टर स्मृति ईरानी और कभी ये लोग सिलेंडर सर पे उठाकर भगते थे और लोगों को बोलते थे कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। और मोदी सरकार ने जब इलेक्शन लड़ा
तो इसने कहा कि अपने घर का सिलेंडर देख के जाना है। आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आप देखें खाने का तेल जो है कभी 75 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये लीटर हो गया है। एक आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, इन्होंने शर्म बेची हुई है। और मुझे लगता है हिंदुस्तान को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है इन्होंने। इनकी कोई भी ऐसी हरकत जो है आप देखिए, किसी बात पर ये बात नहीं करते हैं, और जो भी कोई बात होती है उसको ये उस दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे जब काम कहीं बंगाल में होता है तो महंगाई इधर बढ़ जाती है, बोलते हैं ये उधर गड़बड़ हो गई है या वो यूक्रेन में गड़बड़ हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं इसके लिए ये बीजेपी खुद जिम्मेवार है, इनकी दोगली नीति जिम्मेवार है, और ये लोगों को बिल्कुल राहत देने के मूड में नहीं है। और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग भूखे मरें, और बस वो और बातों के लिए जो बातें जिन बातों का कोई मतलब नहीं हो उन बातों पे ये लोगों को लगाए रखते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और महंगाई से लोगों को भटका रहे हैं। लेकिन महंगाई की जो कमर तोड़ मार है वो आम आदमी और गरीब आदमी पड़ रही है। मुझे लगता नहीं कि ये महंगाई अभी रुकेगी, अभी और आगे जाएगी और नतीजा इसका जो है इससे भी बुरा होगा। लेकिन भगवान करे कि इन लोगों को सद्बुद्धि आए और कोई इनको समझ